एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में, और ये हमारी है रूट्स ऑफ इंग्लिश का पार्ट 7। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे दो नए रूट वर्ड होंगे और उन दो नए रूट वर्ड के कई सारे मिलते जुलते शब्द बनाएंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और हम शुरू करते हैं हमारा आज का पार्ट 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो रूट वर्ड है वो है हमारा ACU, जिसे हम कह सकते हैं एक्यू या फिर ठीक है ACU। इसका मतलब होता है शार्प, पॉइंटेड या फिर एग्जैक्ट। देखिए, शार्प मतलब बहुत पैना, पॉइंटेड मतलब कि किसी चीज़ को एकदम मतलब पॉइंटेड हो, या फिर एग्जैक्ट मतलब एकदम फिक्स जगह पे हमने उसको कुछ इंडिकेट कर रहे हो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहला जो वर्ड है वो आपका एक्यूमिनेट। ठीक है, एक्यूमिनेट का मतलब होता है पॉइंट करना, टेम्परिंग टू ए पॉइंट और शार्पली पॉइंटेड। देखिए, एक्यूमिनेट का मतलब होता है किसी की तरह हमने पॉइंट कर दिया, किसी की कोई हमने एक फिक्स चीज़ बता दी, वो होता है हमारा एक्यूमिनेट। एक्यूट का मतलब आपको पता होगा, बहुत ही शार्प, जैसे हमारे एंगल्स होते हैं वो ऐसे बनते हैं हमारे एक्यूट एंगल में, क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो शार्प हो जाते हैं। ओके, बहुत ही कम एंगल होता है उनका, वो होता है आपके एक्यूट। फिर होता है आपका एक्यूपंचर। देखिए, एक्यूपंचर भी आपको पता होगा कि जब हमारे हाथों में हम किसी पॉइंट को दबाते हैं, एक फिक्स पॉइंट को दबाते हैं, एग्जैक्ट पॉइंट को दबाते हैं, तो हमारा एक्यूपंचर कहलाता है। ठीक है, फिर आपका एक्यूरेट। एक्यूरेट मतलब एकदम एग्जैक्ट चीज़ को बताना, वो आपका एक्यूरेट होता है। फिर होता है आपका एक्यूटी। एक्यूटी मतलब होता है एकदम नीनेस, ठीक है, एकदम सेवरिटी या फिर एक्यूटनेस, मतलब किसी एकदम पतली चीज़ किसी को चीज़ का होना, वो आपका एक्यूटी कहलाती है। ठीक है, इसकी क्वालिटी बनती है। एक्यूमेन, एक्यूमेन मतलब मेंटल शार्पनेस, इंटेलिजेंस एंड सेगेसिटी। देखिए, एक्यूमेन आ गया, यहाँ पर आदमी जोड़ दिया उसने और एक्यू कर दिया, मतलब एक शार्प दिमाग वाला आदमी, एक इंटेलिजेंट आदमी। ठीक है, सॉरी, आगे बढ़ गया ये, यहाँ पर आ गए। अब उसके बाद है एक्यूलेट। एक्यूलेट मतलब पॉइंटेड, कवर्ड अप विद शार्प स्पाइंस। ठीक है, देखिए, एक्यूलेट का मतलब भी होता है पॉइंटेड, किसी चीज़ को पॉइंट करना। ज़्यादातर इन सब का मतलब पॉइंटेड ही होगा, आप कोई भी वर्ड ले लीजिए। एक्यूलेटेड का भी मतलब होता है पॉइंटेड, ठीक है, किसी चीज़ को एकदम शार्प चीज़ से पॉइंट कर देना। एक्यूलेटलेट, एक्यूलियोलेट मतलब होता है लिटिल शार्प या पॉइंटेड स्पाइंस। ठीक है, एक्यूलियोलेट का मतलब होता है लिटिल शार्प, इतना भी शार्प नहीं पर छोटा मोटा शार्प हो और वो किसी चीज़ को पॉइंट कर रहा हो। ठीक है, फिर एक्यूलियोफॉर्म, एक्यूलियोफॉर्म मतलब होता है स्पाइन शार्प, स्पाइन शेप्ड या फिर लाइक ए प्रिकल। ठीक है, स्पाइन शेप्ड का हो मतलब कोई पैनी चीज़ का हो और वो कुछ प्रिकल की तरह हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्यूलियस। एक्यूलियस मतलब होता है कॉनिकल एलिवेशन ऑफ द स्किन ऑफ अ प्लांट बिकमिंग हार्ड एंड शार्प पॉइंटेड। देखिए, आपने पेड़ पौधे देखे होंगे जो ऐसे ऐसे निकल जाते हैं, तो वो हमारे एक्यूलियस बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कॉनिकल शेप में बन जाते हैं और ऊपर जाके वो एकदम शार्प पॉइंटेड वो चीज़ बन जाते हैं। ठीक है, तो हम उसे कहते हैं एक्यूलियस। नेक्स्ट है आपका एक्यूलोजिस्ट। देखिए, एक स्पेशलिस्ट इन द यूज़ ऑफ निडल। देखिए, निडल को कोई बहुत अच्छे से यूज़ कर ले, सुई को, वो होता है हमारा एक्यूलोजिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट केस है हमारा कॉग्न या फिर ग्नॉस। ठीक है, कॉग्न या फिर ग्नॉस, ये दो वर्ड है, इनका मतलब होता है टू नो, कॉन्सियस, अंडरस्टैंडिंग या फिर फोरकास्ट। ठीक है, टू नो, कॉन्सियस, अंडरस्टैंडिंग या फिर फोरकास्ट, ये इनके मतलब है। ठीक है, अब देखिए, अब इनके वर्ड्स देखते हैं। तो वर्ड्स में जो पहला वर्ड है वो हमारा एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब है ए पर्सन हु बिलीव्स दैट नथिंग इज नोन और कैन बी नोन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द नेचर ऑफ गॉड। ठीक है, ऐसा कोई बंदा जो बिलीव करता हो, ठीक है, कोई भी अनजानी चीज पे, ठीक है, या फिर जानी हुई चीज पे, या फिर कहें तो एग्जिस्टेंट ऑफ गॉड पे, या कि गॉड है, ठीक है, इस चीज़ पे जो बिलीव करता हो वो हमारा एग्नोस्टिक कहलाता है। कॉग्निटिव, देखिए कॉग्निटिव क्या है, रिलेटिंग टू इन्वॉल्विंग कॉन्सियस इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज सच एज थिंकिंग, रीजनिंग एंड रिमेंबरिंग। ठीक है, कॉग्निटिव ऐसी कोई एक्टिविटी जो हमारी एक रिलेटिव हो हमारी मेंटल एक्टिविटी पे, हमारी थिंकिंग पे, रीजनिंग पे, या फिर रिमेंबरिंग पे। ठीक है, उसके बाद आता है कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट क्या है आपका, नॉलेजेबल एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग, फुल्ली इन्फॉर्म। ठीक है, कॉग्निजेंट ऐसी कुछ होता है जिसमें हम किसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, किसी चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उसको हम पूरी तरह से पहचानने के बारे में सोचते हैं, वो हमारा कॉग्निजेंट कहलाता है। फिर आपका डायग्नोसिस। देखिए, डायग्नोसिस क्या होता है, हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, एनालाइज करते हैं, कोई वजह जानने की कोशिश करते हैं, किसी नेचर को जानने की कोशिश करते हैं कि आपके शरीर में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका
इनकोग्निटो, ठीक है। इनकोग्निटो का मतलब क्या होता है, विद वंस आइडेंटिटी कैन कंसील्ड और डिस्गाइज, ठीक है। अगर हम किसी की आइडेंटिटी को डिस्गाइज कर दें, मतलब उसे पहचान ना पाएँ, या फिर कोई हमें हम किसी की आइडेंटिटी को चुरा ले, वो हमारा इनकोग्निटो कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका मेटाकॉग्निशन, ठीक है। मेटाकॉग्निशन आपका कहलाता है नॉलेज और अवेयरनेस अबाउट वंस ओन लर्निंग और थिंकिंग प्रोसेस, ठीक है। हम किसी की सोचने की क्षमता या फिर किसी के पढ़ने की क्षमता को हम एनालाइज करें या फिर उसके बारे में जाने, वो हमारा मेटाकॉग्निशन कहलाता है, ठीक है। और प्रोग्नोसिस, देखिए प्रोग्नोसिस क्या कहलाता है आपका, प्रोग्नोसिस कहलाता है अ फोरकास्ट और प्रिडिक्शन यूजुअली एसोसिएटेड विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ रिकवरी सच एज अ फ्रॉम अ डिजीज, देखिए प्रोग इसे कहते हैं हम प्रोग्नोसिस भी कह सकते हैं। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है कि ऐसी कोई चीज़ को हम पता करें, ऐसी कोई हम एनालाइज करें कि आने वाली जो उनकी डिजीज़ है वो कैसे हम उसे रिकवर कर सकते हैं, उनको पहले से हम अंदाज़ा लगाना कि वो कब तक ठीक हो जाएंगे, ठीक है। ये आगे चले गए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका प्रोग्नोस्टिकेट, ठीक है। प्रोग्नोस्टिकेट मतलब ए फोरकास्ट और प्रिडिक्शन, ठीक है। देखिए प्रोग्नोस्टिकेट मतलब प्रोग्नोस आ जाना कहीं पर भी, तो मतलब वो पहले से कुछ प्रिडिक्ट कर रहा है, पहले से कुछ बता रहा है आपको, भविष्य बताने की बात कर रहा है, ठीक है। भविष्यवाणी कह सकते हैं एक तरह से हम। और रिकॉग्निशन, देखिए रिकॉग्निशन मतलब होता है नॉलेज दैट समवन और समथिंग प्रेजेंट हैज बीन एनकाउंटर्ड बिफोर, ठीक है। रिकॉग्निशन मतलब होता है हमने किसी को रिकॉग्नाइज कर लिया यार, कि पहले हम इससे मिले थे, अब हम दोबारा इसे पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो आपका रिकॉग्निशन, ओके। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, मैंने फिर से पूरा आपके दो केस और उससे बनने वाले कई सारे वर्ड्स आपके कंप्लीट कर लिए। अगर पसंद आई वीडियो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।